जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरिपाल सिंह आज आपको एसएससी जीडी के बारे में, उसकी प्रिपरेशन के बारे में, उसके जो पेपर आ रहा है 10 जनवरी, उसकी डेट क्लियर हो गई है तो उसकी तैयारी के बारे में बताऊंगा कि उसकी तैयारी कैसे करनी है और आप लोगों को किस किस बातों का ध्यान देना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है। आज हम ये सारी जानकारी देंगे और डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे उसकी तैयारी को अपना कंटिन्यू करें जिससे का सफलता मिले। इससे पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, आज हम इस प्रकार से जानकारी देंगे जैसे क्या पेपर की तैयारी कैसे करनी है और फिजिकल की, प्लस दोनों पे ही ध्यान देना है, फिजिकल पे भी और प्लस पेपर पे भी। पेपर में 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और इंग्लिश। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है ये, तो आप ये जान लीजिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इसका जो होता है ये थोड़ा कठिन होता है। ऑफलाइन से ऑनलाइन देना थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना कठिन होता है, इसलिए तैयारी को एकदम बनाएं। जैसे क्या, सबसे पहले मैथ, मैथ पे आप जो है अपना वर्क करें, उसमें गुणा भाग जो भी है और जितने चैप्टर दे रखे हैं उनका बढ़िया से रिवीजन करें। 45 दिन आप लोगों के पास बचे हैं, 10 जनवरी से लेके पेपर शुरू हो जाएगा, फरवरी तक चलेगा, तो इसलिए आप अपनी मेहनत करें, बरकरार रखें। और सबसे पहले मैथ को, फिर रीजनिंग को, फिर हिंदी को और जीएस को, इनको सबको समय देना है। पर किस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना, किसको कम देना है हम बताएंगे। जैसे का हिंदी है तो हिंदी में लिखने की कोशिश करें, जैसे वर्तनी है, वर्तनी को लिख लिख के याद करें, और जैसे जो भी टॉपिक है उनको लिखें और उसके बाद तैयार करते जाएं। और अपना रीजनिंग हो गया, रीजनिंग का अल्फाबेटिकल पे ज़्यादा फोकस करें, और ब्लड रिलेशन हो गया, और जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जैसे दिशा परीक्षण हो गया, और नॉन वर्बल भी याद थोड़ा प्रैक्टिस करें, जो चित्रों से आकृतियों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के लिए यहाँ से 25, यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन सभी का आ रहा है, आपका टाइम बहुत कम दिया है, इसलिए आप लोगों को अब सोचो कि 80 क्वेश्चन 60 मिनट, क्वेश्चन पढ़ना भी है और सॉल्व भी करना है। अब सोचो कितना कम समय है, 80 क्वेश्चन को 60 मिनट में सॉल्व करने के लिए ऐसा जज्बा करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है और एक अपने अंदर एक जोश जुनून की ज़रूरत है। जैसे क्या अभी जीएस हो गया, जीएस का तो अपार क्षेत्र है परंतु आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, जैसे क्या दिवस हो गए, त्यौहार हो गए, मेले हो गए, इस प्रकार से सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है। जीएस का बहुत बड़ा क्षेत्र है परंतु मैं अपनी परीक्षा को पास करने के लिए जो जो महत्वपूर्ण है उसको तुरंत कटअप कर लेना है, उस पर ही मेहनत करनी है। उसके बाद में अपना हिंदी के जो जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं और कारक हैं, वर्तनी शुद्धिकरण है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, इस प्रकार के चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा दोस्तों। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन पे भी गहन अध्ययन कीजिएगा, क्या क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन मतलब नंबर एकदम फिक्स मिलते हैं बढ़िया, और इसको आसान है तैयार करना। 20 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं तो 20 के 20 क्वेश्चन भी आप कर ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ का भी वही है, मैथ का आप कर सकते हैं बढ़िया से, 20 के 20 भी कर सकते हैं। जीएस में थोड़ी दिक्कत आती है तो इसलिए इस बार आपको बहुत मेहनत लगा देनी है, और ये समझिए कि ये बार करो या मरो, एकदम अपनी हर तरीके से स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी है, हर तरीके से कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ना है और कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा वो नहीं रह जाए। 45 दिन आप लोगों के पास हैं और इन 45 दिन में सोच लो कि हमको इस बार सफल होना ही होना है, हमको इस बार एसएससी जीडी का जो पेपर है वो कामयाब करके ही लौटना है। और ये जो है, इस प्रकार से आप मेहनत करेंगे तो जब जरूर सफल होंगे। और एक टाइम टेबल बनाइए कम से कम अभी से ही, हम ये नहीं कहते कि 24 के 24 घंटे पढ़िए, फिर भी कम से कम 10 से 12 घंटे आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है, वो पहला वाला कंपटीशन नहीं है कि कुछ ही लोग बैठते थे, कुछ ही लोग पढ़ते थे, अभी सब लोग पढ़ने लगे हैं,
सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं, जो अपने अंदर जोश जुनून रखेगा उसी का सिलेक्शन होगा। और अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू कीजिए, और जो भी लूज पॉइंट हैं उनको देखिए कहाँ हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, प्रैक्टिस सेट भी करिए, उसमें देखो कि हमसे कौन सा सब्जेक्ट हमसे कमज़ोर है, किस पे चैप्टर के क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहे, रीजनिंग के, मैथ के या हिंदी के, जीएस का तो अपार क्षेत्र है, पर जीएस में कम से कम 20-25 टॉपिक ऐसे हैं कि उनको आप एकदम तैयार कीजिए। हम आपको भी अब धीरे धीरे बताएंगे कि शॉर्ट वीडियो में देंगे आपको कि कैसे आपको किन किन चैप्टरों पर फोकस करना है, और हम जो भी कंटेंट होगा अपनी तरफ से देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिए दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो को यहीं रोकेंगे, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।